नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब करेगा विकास। वेलकम टू दिस वीडियो। इंडिया के सभी क्षेत्र के विकास के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के लिए भी वित्त मंत्री ने मई 2022 में 1,34,200 करोड़ की, वहीं 2023-24 के बजट में 5,892 करोड़ का बजट इस क्षेत्र के लिए पारित किए, जो इस क्षेत्र के विकास में कई रेलवे प्रोजेक्ट, सड़कें, हवाई संपर्क, नदियां और रोजगार जैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करने की घोषणा की। सॉरी फॉर फ्यू सेकेंड, ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सक्सेस पर्सन जरूर बनाएं। पूर्वोत्तर राज्य के विकास से हम इंडियंस को, शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट एरिया की करीब लाने में मदद करेगा। वहीं साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप्ड करने से बनाया जा सकेगा। नाउ लेट्स सी इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से लॉन्च किए गए हैं। तो इस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रेलवे, सड़क और हवाई संपर्क में 400 किलोमीटर सड़कें, 2,011 किलोमीटर रेलवे, वहीं 15 हवाई संपर्क, एयर कनेक्टिविटी को डेवलप्ड किया जा रहा है। इस एरिया के जलमार्ग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर वेज 1, नेशनल वाटर वेज 2 जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर, और नेशनल वे 6 बराक नदी पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जबरदस्त डेवलप किए जा रहे हैं। बिकॉज एयर, रोड एंड रेलवे नेटवर्क की तुलना पानी के माध्यम से यात्रा की लागत चीप कम होती है, और इस एरिया के नदियों को डेवलप करने के मुख्य कारण इंडिया बांग्लादेश की नदी प्रणालियों में सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाभ उठाए जा सकते हैं। इसी कारण से इंडिया बांग्लादेश की प्रोटोकॉल रूट 8 से बढ़कर 10 कर दी गई है। नेक्स्ट, इस एरिया को डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम इम्प्रूव प्रोजेक्ट, NER PSIP प्रोजेक्ट, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करने के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दशा में यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा कदम होने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस एरिया को पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G, 5G, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रोजेक्ट पर भी जोर दे रही है। इस एरिया को पहले से डेवलप्ड करने वाले प्रोजेक्ट को देखें। DONIR पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय विकास विभाग द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था और इस प्रोजेक्ट को 2004 में प्रोग्रेस में लाया गया। भारत प्रोजेक्ट इंडिया के सभी क्षेत्र के सड़क विकास प्रोजेक्ट में इस एरिया के भी सड़क विकास पे सुगम ध्यान दिया जा रहा है। वही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान पहले से इस क्षेत्र में कार्यरत पे हैं। बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार, BCIM कॉरिडोर पहले से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, वहीं पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी दर्शन प्रोजेक्ट, औद्योगिक विकास योजना पूर्वोत्तर राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन सभी प्रोजेक्ट पे इंडियन गवर्नमेंट कार्य कर रही है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया का डेवलप्ड होना क्यों जरूरी है, तो स्ट्रेटजिक रूप से इस एरिया तक बाजार पहुँच को मुहैया करवाना है। साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया का देश के साथ बेहतर जुड़ाव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बड़ा रोल होगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल का 34%, भारत का जल विद्युत क्षमता 40% इसी क्षेत्र में है। वन्य जीव अभ्यारण, जनजातीय संस्कृति, फेस्टिवल की रक्षा जैसे महत्व इंडिया के इकोनॉमिक रूप में महत्वपूर्ण बनाते हैं। और एक्सपर्टों का भी कहना है कि इस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट से ही रोजगार पैदा किया जा सकेंगे। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या अलगाववादी आंदोलनों को विफल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। तो आशा करते हैं मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने करीबियों तक ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।